नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी से पास इन नियोजित शिक्षकों को नहीं देनी होगी सक्षमता परीक्षा। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूजाज, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। डायल 112 में 19,288 पदों पर जल्द होगी बहाली। के पाठक के निर्देश पर चयनित शिक्षिका की गई नौकरी। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन में लगाए गए 57 स्टॉल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीएससी से पास इन नियोजित शिक्षकों को नहीं देनी होगी सक्षमता परीक्षा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा आदेश जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बीपीएससी की परीक्षा से चयनित विद्यालय अध्यापक के करीब 10,000 नियोजित शिक्षक जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, उन्हें सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। दरअसल सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के पास अभ्यर्थी की तर्ज पर सारी सुविधाएं देने के लिए सक्षमता परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। इसकी नियमावली पर कैबिनेट की स्वीकृति लेने की कवायद चल रही है। बता दें कि इसके अनुसार नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद वशिष्ठ शिक्षक बनेंगे और जिला संवर्ग वही रहेगा। इसी क्रम में अब इस पर सहमति बनी है कि जो शिक्षक बीपीएससी पास है और पूर्व की तरह नियोजन वाली जगह पर ही रहना चाहते हैं, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता परीक्षा नहीं देनी होगी। डायल 112 में 19,288 पदों पर जल्द होगी बहाली। बहुत जल्दी बिहार में डायल 112 में 19,288 पदों पर बहाली होने वाली है। इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग, बिहार पुलिस और सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर सूचना जारी की गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से बहाली का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि जल्द ही भर्ती के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस भर्ती के तहत 259 SI, 1829 ASI, 9992 सिपाही और 2353 चालक सिपाही की बहाली राज्य के 38 जिलों में की जाएगी। दरअसल शहरी क्षेत्रों में डायल 112 की सफलता के बाद अब सरकार की योजना इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार देने की है। ऐसे में इसके लिए बड़े पैमाने पर संसाधनों का विस्तार किया जा रहा। चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज आज मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आज यानी कि 15 नवंबर को चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज है। ऐसे में आज इस पूजा को लोगों के द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भी चित्रगुप्त पूजा और भैया दूज को लेकर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने एक्स पर, जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था, उस पर ट्वीट कर लिखा है कि चित्रगुप्त पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ज्ञान के अधिष्ठाता देवता चित्रगुप्त भगवान की आराधना से लोगों में पढ़ने लिखने की अभिरुचि बढ़ती है। बिहार में ज्ञान और शिक्षा का प्रकाश घर घर फैले और सबके प्रयास से बिहार प्रगति के शिखर पर पहुंचे, यह मेरी कामना है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि भैया दूज के शुभ अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सहारा श्री सुब्रत राय सहारा का निधन। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सहारा श्री सुब्रत राय सहारा का बीते दिन यानी कि मंगलवार 14 नवंबर को मुंबई के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। पता हो कि वह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। वहीं उनके निधन की खबर से परिवार में शोक की लहर छाई हुई है। मालूम हो कि आज सहारा श्री सुब्रत राय सहारा का पार्थिव शरीर लखनऊ की सहारा सिटी लाया गया, जहां लोग उनका अंतिम दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सहारा श्री सुब्रत राय सहारा के निधन की पुष्टि सहारा ग्रुप की ओर से की गई है, जिसमें बताया गया है कि उनका निधन मुंबई के अस्पताल में रात 10:30 कार्डिक अरेस्ट की वजह से हुई। वह हाइपरटेंशन और मधुमेह जैसे बीमारियों से ग्रस्त थे। वहीं उनके निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव समेत कई राजनीतिक हस्तियों के द्वारा शोक संवेदना व्यक्त की गई है। त्योहारों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने उठाए कई कदम। छठ को लेकर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों की भीड़ को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिए पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। यात्री सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक न हो, इसके लिए स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल निरंतर चौकसी बरत रहे हैं। अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए कुछ स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड के साथ रेल सुरक्षा बल की तैनाती की जा रही है। यात्रियों के लिए स्टेशन पर होल्डिंग एरिया भी बनाया गया है। वहीं ट्रेन के आवागमन की जानकारी सहज उपलब्ध हो सके, इसके लिए स्टेशनों पर निरंतर उद्घोषणा की जा रही है। मुख्य स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे से रेल सुरक्षा बलों के द्वारा 24 घंटे गहन निगरानी की जा रही है। स्टेशनों पर में आई हेल्प यू हेल्प डेस्क सहयोग बूथ बनाया गया है। चिकित्सा मदद के लिए चिकित्सा सहायता बूथ बनाए गए हैं। ट्रेन में चढ़ने पर यात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए ट्रेनों को प्लेटफॉर्म पर प्रस्थान समय से आधे घंटे पहले खड़ा कर दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में 4% वृद्धि का प्रस्ताव। साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग को बिजली की कीमत में 4% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि उद्योग की ओर से राहत देते हुए फिक्स चार्ज में ₹50 की कटौती के साथ स्ट्रीट लाइट के फिक्स चार्ज में कमी की गई है।
वहीं बिजली की कीमत में 4% बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आयोग द्वारा जनसुनवाई की जाएगी, जिसमें उपभोक्ताओं और बिजली कंपनी के अधिकारियों का पक्ष सुना जाएगा और फिर आयोग की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। मालूम हो कि आयोग की ओर से जो भी फैसला सुनाया जाएगा वह 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। वहीं सुनवाई में पहली बार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को होने वाले 214 करोड़ के मुनाफे पर मंथन किया जाएगा, ताकि इसमें उपभोक्ताओं को हिस्सेदारी मिल सके। के पाठक के निर्देश पर चयनित शिक्षिका की गई नौकरी। कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ली गई परीक्षा से चयनित नवनियुक्त शिक्षकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा गया था कि शिक्षकों को कोई भी संघ या मंच नहीं बनाना है। ऐसा करने वाले शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस निर्देश के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित मधुबनी जिले की शिक्षिका बबीता कुमारी को शिक्षक संघ बनाए जाने पर उसकी नियुक्ति को रद्द कर दी गई है। दरअसल बबीता कुमारी के द्वारा बीपीएससी शिक्षक संघ बनाया गया और लेटर पैड छपवाकर उसकी अध्यक्ष बन गई। इसके बाद विभाग की ओर से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, जो जांच में गलत पाया गया, जिसके बाद विभागीय स्तर पर शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई की गई। शराब की खेप लेकर नेपाल से आते दो तस्कर गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करी जुड़े मामले में कोई कमी नहीं आ रही। आए दिन शराब तस्कर जुड़े तस्करों की गिरफ्तारी की जाती है। बता दें कि ताजा मामला मोतिहारी का है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर इंस्पेक्टर इकरामुल हक के नेतृत्व में वाहन जांच करने के दौरान कोटावा थाना क्षेत्र में एक लाल रंग की मारुति सुजुकी से, जो नेपाल से आ रही थी, उसके डिक्की से 300 बोतल नेपाली शराब बरामद की गई है। और साथ ही इस दौरान दो तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान राजा शाह और सोनू कुमार के रूप में की गई। बता दें कि इसकी गुप्त सूचना उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार को मिली थी। वहीं फिलहाल इस मामले को लेकर आगे की जांच पड़ताल जारी है। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन में लगाए गए 57 स्टॉल। बीते दिन भारत सरकार के उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किया गया। ऐसे में इसमें बिहार पवेलियन का आयोजन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। बता दें कि बिहार सरकार के उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के निदेशक विवेक रंजन मैत्री के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 27 नवंबर 2023 तक किया गया है, जिसमें बिहार मंडपम को ITPO द्वारा वसुदेव कुटुम्बकम यूनाइटेड बाय ट्रेड के अनुरूप नायाब रूप से सजाया गया है। वहीं आने वाले विजिटर्स को इन्वेस्ट इन बिहार एवं बिहार है तैयार के मूल मंत्र के साथ बिहार में निवेश के बेहतर परिस्थिति से रूबरू कराया जाएगा। बता दें कि इस बार पवेलियन में 57 स्टॉल बिहार के लगाए गए हैं। बिहार में अब KCC ऋण को ब्याज से मुक्त करने की तैयारी। सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में KCC पर 7% ऋण है। इसमें समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% ऋण पर अनुदान मिल जाता है, वहीं 1% ब्याज कृषि विभाग देता है। ऐसे में समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 4% ऋण पर अनुदान मिल जाता है, जिसके बाद किसानों को 3% ही ब्याज चुकाना पड़ता। वहीं अब समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ये 3% भी ऋण चुकाना ना पड़े, इसको लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा। अभी यह पाइपलाइन में है, इस पर सरकार के स्तर पर निर्णय लिया जाना है। पटना में छठ पूजा पर 19 और 20 तारीख को बदला रहेगा रूट। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार की राजधानी पटना के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। बता दें कि रूट बदलाव 19 और 20 नवंबर को किया जाएगा, जो कि दोपहर 12 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। वहीं 19 नवंबर की देर रात से 20 नवंबर के सुबह 8 बजे तक कई इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। हालांकि एडवाइजरी अग्निशामक एम्बुलेंस सवाहन और छठ व्रतियों के वाहनों के लिए नहीं होगा। बता दें कि जारी किए गए एडवाइजरी के अनुसार कारगिल चौक से पूरब दीदारगंज तक किसी भी प्रकार के वाहनों का परिचालन नहीं होगा। अशोक राजपथ के सभी एंट्री पॉइंट को बंद कर दिए जाएंगे। दिघा मोड़ से आसियाना दिघा रोड में उत्तर से दक्षिण की ओर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इसके साथ ही जिन रूटों में बदलाव किया गया है, उनमें गायघाट की ओर जाने वाली रूट, जेपी सेतु की तरफ से रूट, न्यू बाईपास समेत अन्य मार्ग शामिल है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थियों को इस दिन तक रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं लगेगी लेट फीस। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिना विलंब शुल्क के 3 दिनों के लिए दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रजिस्ट्रेशन तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि पहले रजिस्ट्रेशन बिना विलंब शुल्क के साथ 14 नवंबर तक किया जा सकता था, जिसे अब बढ़ाकर 17 नवंबर 2023 तक कर दिया गया है। हालांकि विलंब शुल्क के साथ अलग से कोई तिथि नहीं जारी की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इस बारे में परीक्षा नियंत्रक रविभूषण के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन और फीस का लिंक आयोग की वेबसाइट पर 17 नवंबर तक ही उपलब्ध रहेगा। ऐसे में 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा
करने वाले अभ्यर्थी ही 25 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। नित्यानंद राय ने कही संन्यास लेने की बात। बीते दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना के स्कॉन मंदिर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि लालू जी हमेशा परिवारवाद की राजनीति करते हैं और भाजपा में इस तरह से नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब मैं विधायक बना था तो मेरे पिताजी ने मुखिया का पद छोड़ दिया था और मैं राजनीति में हूँ, न कि मेरी पत्नी राजनीति में है। आप पूरा परिवार मिलजुल कर राजनीति कर रहे हैं। यदि आपको किसी पर विश्वास नहीं था तो किसी यादव समाज के नेता को ही मुख्यमंत्री बना देते। उन्होंने कहा कि यह काम लोकतंत्र में नहीं चलेगा कि आप परिवार के किसी सदस्य को सीएम बना दे। लालू जी ने राबड़ी देवी को सीएम बनाकर यह जता दिया कि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं था, उन्हें केवल अपने परिवार पर भरोसा है। सीएम नीतीश कुमार के मंत्री रत्नेश सदा का जीतन राम मांझी पर बड़ा बयान। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी को लेकर जाति सूचक एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उसकी नौटंकी है। नौटंकी इसलिए है क्योंकि पूरे बिहार के मुसहर समाज के लिए वो कलंक है। 1980 से लेकर अभी तक मुसहर के लिए एक इंच जमीन की बात नहीं की, मुसहर समाज के लिए भलाई की बात नहीं की, मुसहर के साथ छल कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी सही में मुसहर है ही नहीं, वे बीजेपी के चक्कर में फंस गए हैं। 2013-14 में भी वह फंसे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहीं भी तू तलाक नहीं किया गया। जिस प्रकार अश्वत्थामा के सर से श्री कृष्ण ने मनी निकाल दी थी, उसी प्रकार जब से हम लोग बीजेपी से अलग हुए हैं, बीजेपी के मस्तिष्क से मनी निकल गई है। अमित कात्याल को लेकर ईडी का दावा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के द्वारा रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले को लेकर गिरफ्तार किए गए अमित कात्याल को लेकर दावा करते हुए कहा गया है कि अमित कात्याल के द्वारा राजद प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से कई भूखंड हासिल किए गए हैं। जांच में यह पाया गया है कि अमित कात्याल AK इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के निदेशक थे, जब लालू प्रसाद की ओर से उम्मीदवारों से एक भूखंड कंपनी से हासिल किया गया था। बता दें कि एजेंसी की ओर से बीते सोमवार को जारी एक बयान में यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी का पंजीकृत पता D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली है। यह मकान लालू यादव और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है और इसके परिसर का इस्तेमाल तेजस्वी यादव के द्वारा किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के 5 सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल, बिहार में वर्तमान में किसान क्रेडिट कार्ड पर कितनी फीसदी ऋण है? ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 2%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7%। अगला सवाल, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की तिथि को कब तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 17 नवंबर 2023, ऑप्शन बी 24 नवंबर 2023, ऑप्शन सी 23 नवंबर 2023, ऑप्शन डी 22 नवंबर 2023। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 17 नवंबर 2023। अगला सवाल, सहारा श्री सुब्रत राय सहारा का निधन कब हुआ? ऑप्शन ए 13 नवंबर 2023, ऑप्शन बी 12 नवंबर 2023, ऑप्शन सी 14 नवंबर 2023, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 14 नवंबर 2023। अगला सवाल, डायल 112 में कितने पदों पर बहाली होगी? ऑप्शन ए 20,240, ऑप्शन बी 19,288, ऑप्शन सी 14,230, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 19,288। अगला सवाल, 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार पवेलियन में कितने स्टॉल लगाए गए? ऑप्शन ए 20 स्टॉल, ऑप्शन बी 19 स्टॉल, ऑप्शन सी 14 स्टॉल, ऑप्शन डी 57 स्टॉल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 57 स्टॉल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, मदन कुमार मोहित, शंभू कुमार, ऋषिकेश साह, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, कुमोद शर्मा, उमेश राम, नौसद अंसारी, रविशंकर, मोहम्मद अफजल मंसूरी, नुनू गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, रंजीत कुमार, रवि कुमार राम, मुटुर रंगीला। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राजनीति में परिवारवाद सही है या गलत? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।